देश की राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित यूपी के बुलंदशहर में एक अधूरा पड़ा पुल आज भी 60 के दशक की याद दिलाता है। यहां दर्जनों गांव को जोड़ने वाले अधूरे पुल की वजह से लोग आज भी एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि तमाम शिकायतों के बाद भी करीब 14 सालों से अधूरा पड़ा ये पुल अपनी तकदीर पर रो रहा है और अधिकारी इससे पूरी तरह नजरें फेरे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के भटवारा में स्थित अधूरा पुल स्थानीय लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। पुल की वजह से यहां आए दिन हादसे होते हैं, मगर तमाम शिकायतों के बाद भी जिम्मेदारों की ओर से ना तो ग्रामीणों की समस्या का संज्ञान लिया जाता है और ना ही कोई समाधान निकाला जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक एक गांव को दूसरे गांव और कस्बों से जोड़ने के लिए इस पुल का निर्माण पूर्व सीएम मायावती के शासनकाल में शुरू कराया गया था। सरकार बदली तो अधिकारी और दूसरी सरकार के इरादे भी बदल गए, जिसका खामियाजा आज भी दर्जनों गांव के लोगों को उठाना पड़ रहा है। नदी की एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए स्थानीय लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, फसल काटने से लेकर बाइक और पशुओं को निकालने के लिए भी नाव का ही मात्र एक सहारा है। तो टाइम 24 की टीम अब उस पुल के ऊपर है जो सालों पहले बंद तो गया लेकिन अधूरा का अधूरा ही पड़ा है। 20 साल से लोग नाव के सहारा ले रहे हैं, नाले बोल दो या काली नदी बोल दो, उसको पार करने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, या फिर दूसरी तरफ से धान लेकर आना हो या फसल लेकर आनी हो, वो इस नाव के ज़रिए ही लेकर आई जाती है। स्थानीय लोगों ने जैसा हमें बताया कि कभी तो नाव डूब जाती है, कभी किसी का मोबाइल गिर जाता है, कभी कोई साइकिल लेकर गिर जाता है। और तस्वीरें भी कुछ ऐसी कैद हुई कि बाइक निकालते समय लोग बाइक लेकर गिर गए। लेकिन अब हमारे साथ एक पूर्व जिला सचिव राष्ट्रीय लोकदल से मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की समस्या है, कब से उनको ये परेशानी हो रही है और किस किस अधिकारी से या शासन प्रशासन से मांग की है, अब तक क्या कुछ इसका समाधान निकल पाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहदेव चौधरी है जी, मेरा गांव भुरतलाई है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानूंगा, ये जो पुल का निर्माण हुआ था जी, इसकी लागत भी दिख रही है कि करोड़ों में बैठी होगी। हाँ, हाँ, मैं तो किस तरह की समस्या रही जो ये अधूरा ही पड़ा है अभी तक? ये मायावती के शासनकाल में पुल बना। मायावती जी ने इस काली नदी पे मेरे ख्याल से 16 से 20 पुल बनाए, बाकी पुल सब चालू हैं। सिर्फ यही पुल मायावती के शासनकाल में बन के बंद पड़ा है और इस गांव, इस पुल पे करीबन 40 गांव जुड़े हुए हैं, जो 40 गांव के आप शिवाली तक का जो आदमी है, इधर जेवर तक का आदमी, जो रिश्तेदारियां हैं, आने जाने के लिए सब परेशान होते हैं। और फिर इसमें जो हैं मगरमच्छ हैं काफ़ी, यहाँ से गाय भी, कई बार बकरी भी उन्होंने खींच ली हैं। और ये नाव पड़ी हुई है, इसी नाव से आना जाना है और फिर जब पीछे से पानी छूट जाता है तो सब पानी बाहर आ जाता है, इतने इतने पानी में निकल के जाना पड़ता है। तो ये परेशानी जो है इस तरह की, तो ये जैसे ये पुल बना हुआ है तो ये पूरा क्यों नहीं हो पाया, इसकी कारण क्या रहा, या भूमि अधिग्रहण नहीं की गई या मुआवजा नहीं दिया गया, मतलब किस तरह की समस्या रही? ये समस्या रही सब प्रशासन की तरफ से, प्रशासन ने अनदेखी करी है प्रशासन ने। और ये जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद हैं डॉक्टर भोला, वो आज तक यहाँ आके उन्होंने ये नहीं देखा कि इस गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग कहाँ पड़े हैं। उन्होंने एक भी बेर वो आए हों तो वो बताएं आके। वोट मांगने तो आते होंगे? वोट मांगने आए हैं, वोट दी भी हैं, पूरे गांव ने बीजेपी को वोट करा, पर बनने के बाद ना अनिल शर्मा जी आए पुल की तरफ, ना डॉक्टर भोला आए, ना कोई और आया। हम सबके पास चले गए हैं, सबको सूचित किया है, सबको जानकारी दी है, पर कोई नहीं आया। जो अपने एक्सचेंज साहब हैं सुरेंद्र सिंह, जो पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता हैं, उन तक भी खूब हम गए हैं, 10-10, 20-20 आदमी इकट्ठे होके, उन्होंने भी आश्वासन दे के छोड़ दिया है, वो क्या करें। बाकी कोई भी किसी भी तरीके के नेता तो ने आश्वासन किस तरह का देते हैं? टेंडर इसका कर दिया, उसमें जो आश्वासन यही देते हैं कि ऊपर से पैसा आएगा, प्रोग्रेस चल रही है, बात चल रही है, हम कर रहे हैं, बताएंगे, ये कह के हमें टाल दिया जाता है। अगर प्रशासन चाहे तो ये पुल बिल्कुल चालू हो जाता, बाकी पुल प्रशासन ही चालू नहीं करवा रहा है। तो ये वो स्थानीय लोग हैं जिनकी समस्या आपने साफ सुनी है कि इसको देखकर साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये पुल जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण लौर है।
मैं पूर्व जिला मीडिया प्रभारी समाजवादी पार्टी। ये रोड हमारा चार हाईवे को लिंक करता है, NH-21 GT रोड, शिकारपुर बदायूं हाईवे, अनुकसर बदायूं हाईवे और फिर मुरादाबाद होता हुआ सीधा लखनऊ के लिए। लेकिन इसकी वजह से ना पहुंचते हुए हमें खुर्जा के लिए ऐसे घूम के आना पड़ता। कितना किलोमीटर का फेर है? 20 किलोमीटर आपको घूम के आना पड़ता केवल इस पुल की वजह से। हाँ, अगर हम सीधे जाएं तो मात्र 2.5 किलोमीटर है। जैसे बुग्गी, हाँ, इसमें फसल लेकर जाते हैं, बुग्गी, हाँ, हो गई, ट्रॉली, ट्रैक्टर, हाँ, तो साढ़े जो बड़े वाहन है ये सब घूम के जाते हैं। सब घूम के जाते हैं 20 किलोमीटर। मोटरसाइकिल जिन लोगों के, जो साइकिल हमारे यहाँ पॉटरी नगरी है खुर्जा, जो लोग बात पॉटरी में जॉब करते हैं, अब वो मजदूर आदमी रात में कैसे नदी में कर जाएंगे, तो वो साइकिल पे बाय रोड ऐसे आंचलू होते हुए 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो ये नाव वाले भी तो चार्ज करते होंगे? हाँ, ये पैसे लेते हैं, रात में चले जाते हैं, रात में मिलते नहीं। फिर रात में अगर कोई आपदा आ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो फिर आदमी कैसे मैनेज? ऐसे ही घूम के जाना पड़ता है बाया खुर्जा शिकारपुर खुर्जा रोड पर होते हुए, और जब खुर्जा पहुंचते हैं बहुतों ने खुर्जा में मकान, तो ये वो समस्याएं हैं समस्या की वजह से बहुत लोगों को खुर्जा में मकान किराए पर लेकर रहना पड़ रहा है, जो लोग वहाँ रोज पॉटरी में नौकरी कर रहे हैं, गाँव छोड़कर किराए पर रहना पड़ रहा है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें समस्या से अवगत कराया है। करीब 14 साल से ये पुल अधूरा बना पड़ा है, कई हाईवे को जोड़ता है, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्माण पूरा नहीं हो। ग्रामीणों को हर चक्कर पर मल्लाह को इसका भुगतान भी करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने कई बार स्थानीय विधायक, PWD के अधिशासी अभियंता और बुलंदशहर जिलाधिकारी से इसके निर्माण को लेकर शिकायत की है, मगर इतनी शिकायतों के बाद भी किसी PWD की ओर से सालों से रुका पुल का निर्माण फिर से शुरू नहीं कराया गया। क्या नाम है आपका भैया? भैया मेरा नाम अंकित शर्मा है। अंकित शर्मा, बेसिकली मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, भुटकला का। अरे भैया मैं आ रहा हूँ। मुआवजा इस रुका हुआ है कि एक तो पब्लिक का मुआवजा नहीं दिया अभी गवर्नमेंट ने, जो अभी संशोधन किया है कि 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। जो PWD के अधिकारी है वो बोलते हैं कि 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जो सर्किल रेट है आपका वो ले लो। इसलिए किसान लोगों ने, किसी ने भी अपनी जमीन नहीं दी, अधिग्रहण नहीं करा अपनी जमीन, जमीन नहीं दी। अभी भी हमारी साइड का देखेंगे आप, जो मट्टी डल गई है, ये क्या हुआ है, बेसिकली प्रशासन के थ्रू जबरदस्ती मट्टी डलवाई गई है। उस टाइम पे ये गुड्डू पंडित विधायक थे, उन्होंने मट्टी डलवाई थी यहाँ पे जबरदस्ती आने के कारण। आज तक हमें भी कोई मुआवजा नहीं मिला, जिससे कि उस साइड की मट्टी पड़ गई है। अच्छा, एक तो समस्या ये है कि मुआवजा अगर दे दे तो हम अधिग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और दूसरी समस्या एक नाव की और पूछ लेते हैं, नाव से लोग कब से सफर कर रहे हैं, कब से चल रहा है? मुझे लग रहा है 15-17-18-20-25 साल हो गए इसको नाव सफर करते करते, लोग काफी टाइम से नाव से नाव भी चल रही है, तो उसके लिए भी चार्ज देना पड़ता होगा। हाँ, चार्ज देना पड़ता है बाइक के लिए 10-20 रुपए। गाँव है, ये जो नाव वाले हैं ये गाँव से अनाज वगैरह उगाते हैं, जैसे सीजन आता है अभी आएगा अप्रैल में गेहूं गेहूं का, उससे वो सब कुछ लेते हैं वहाँ से। अच्छा, इसके अलावा जो लोग हैं यहाँ पे वो जो आवागमन करते हैं यहाँ से, तो उन्हें किस तरह की अक्सर परेशानियाँ हो जाती हैं इसकी वजह से? देखो, अक्सर परेशानी क्या है, यहाँ से निकलने के बाद भी जैसे काली नदी पार करोगे तो यहाँ पे आगे गड्ढा है, वो भी खेतों का गड्ढा, उसमें पानी भर जाता है। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ करते हैं खुर्जा जाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे गाँव जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, हुरतला हो गया, सुरजाबली हो गया, मोरोनी हो गया, पोटरी हो गया, उसके बाद सलेमपुर हो गया, उसके बाद तुम्हारा सलेमपुर के बाद रंगपुर, भैसरौली, ये सब लोग उधर के आते हैं। बड़े वाहनों की बात की जाए तो बड़े वाहन कैसे आज भी बड़े वाहन कैसे जाते हैं उधर से साइड, इधर से? नहीं, बड़े वाहन इधर से नहीं जाते। बड़े वाहन यदि खुर्जा के लिए निकलेंगे तो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूरी पे आंचलू पड़ता है, आंचलू से घूम के आना पड़ता है तब वो पार होता है। लगभग कितना राउंड पूरा? राउंड ऐसा मानो यदि खुर्जा जाओगे तो कम से कम 22 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से हुरतला से, बाद बाकी का जो आंचलू की बात करें तो केवल 5 किलोमीटर है सर। ग्रामीणों का कहना है कि जब वह नदी को नाव के द्वारा पार करते हैं तो अक्सर कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं, जैसे मोबाइल का गिर जाना, नाव का डूब जाना या फिर कोई वाहन का नदी में गिर जाना। स्थानीय लोगों का यहां तक कहना है कि नदी में मगरमच्छ का भी बसेरा है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल रहता है। लोगों ने बताया कि कई बार किसानों के पशु उस मगरमच्छ का शिकार हुए हैं और इसकी शिकायत भी अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं है। और स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कब से ये आवागमन चल रहा है उनका और किस तरह की इनको परेशानी हो रही है यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी डिफेंस में हूँ। डिफेंस में है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक पुल बना हुआ है, वो भी अधूरा, और आप या सभी लोग जो गाँव के स्थानीय लोग हैं वो नाव से आवागमन करते हैं इस गंदे नाले के या काली नदी के ऊपर से, तो किस तरह की परेशानी और कब से चल रही है? देखो, ये क्या नाम है, नाव जो बनी हुई है ये तो एक मजबूरी में जो कर रखा है, ये तो बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन जैसे ये पुल बनवाया था 2000
मायावती की मुझे लगे इसमें वो थी उसमें क्या कहते हैं बनवाया था, लेकिन ये अधूरा हो गया और अभी इधर का तो हो गया पूरा, इधर का रह गया है और इससे बहुत बड़ी परेशानी हो पा रही है। अभी जैसे कि मान के चलो कि पैदल तो निकल जाएंगे इससे, और जैसे कोई बाइक से या फोर व्हीलर से टू व्हीलर से किसी से निकलना है तो मतलब कि बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, और इससे की वजह से क्या नाम है 15-20 किलोमीटर का मतलब कि घूम के आना पड़ता है। अच्छा, ऐसे भी लोग होंगे जो रहने वाले इधर के हैं और उनकी खेती दूसरी साइड है, तो उन्हें किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी ये होती है, देख लो आप इस तरह देख सकते हो कि किस तरह आ रहे हैं बेचारे, बहुत परेशानी हो रही है। और अभी तो देखो नदी बहुत डाउन है, और जैसे कि मौसम बरसात का मौसम आ जाता है तो नदी बहुत फूल बढ़ जाती है, तो बिल्कुल ही आवागमन बंद हो जाता है और फिर घूम के जाना पड़ता है 15-20 किलोमीटर से, और ये पुल जो अधूरा बना हुआ है इसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो कभी इसकी शिकायत की गई किसी राजनेता से या शासन प्रशासन से कभी? शिकायत तो हमेशा होती आई है, और क्या यहाँ पे क्या चुनाव नहीं होते और आते हैं, हमेशा होता है तभी विधानसभा का लोकसभा का और जो भी उपचुनाव होते हैं सभी आते हैं, तो पर इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। नाम गजराज जी, ये जो पुल यहाँ देख रहा हूँ मैं अधूरा बना हुआ है, ये कब इसकी नींव रखी गई थी, कब से ये अधूरा पड़ा है? इसको तो 15 साल तो हो लेगी। अच्छा, 15 साल हो रही बहन जी के जमाने में कहा। हाँ। और ये वसुदेव बाबा ने इसका कार्यक्रम करवाया था विधायक साहब ने, और दूसरे नंबर पे ये बन के भी निबट गया, अभी तक कोई मिट्टी का नाम नहीं आया। हम बड़े बड़े परेशान होते हैं, 5-8 किलोमीटर 12 किलोमीटर चल के आते हैं और जब यहाँ आके लगते हैं। अच्छा, जैसे कोई बड़ा वाहन हो तो 12 किलोमीटर उसको घूम के आना पड़ेगा, जैसे ट्रैक्टर हो गए, ट्रॉलर वगैरह। 12 किलो पे हम आते हैं और काफी कुछ हमें परेशानी। और ये नाव का सहारा कब से ले रहे हैं? नाव का सहारा तो आप पुल से पहले भी लेते थे। हाँ। और जब से पुल बनना है जब से ले रहे हैं। ये भी बाजा हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे नाम से उतर जाओ, हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमें यहाँ पैसा भी देना पड़ता है, 20 रुपये गाड़ी कम से कम देना पड़ता है नाव वाले को। अच्छा। तो ये कितना बड़ा परेशानी आती है ये तो गांव वाले जानते हैं, बड़ी बड़ी उतनी आते हैं परेशान है गांव वाले साथ। मतलब ये एक अगर फ्लाईओवर बन जाता तो इस गांव की आसपास के गांवों की समस्या दूर हो सकती है। हाँ जी, बजाय हम नौ को भी जा सकते थे और नौ के इधर भी आ सकते थे। अच्छा, किस किस गाँवों को जोड़ता है ये जो फ्लाईओवर बना है? ये देखो लेके सलेमपुर, सुरजावली, मिलक, फोरतरा, मोरोनी, पुठरी, लगभग कितने गाँव है? लगभग 10-15 गाँव है, ज्यादा है, कम से कम 30-35 पे पहुंचेगा, 35 पे तो कम से कम 30-35 गाँव। और ये 14 साल से ऐसी पड़ा है? ऐसे ही पड़ा। वहीं इस मामले पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नदी की दूसरी साइड पुल का निर्माण कर दिया गया है, जबकि खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव भटवारा की साइड के किसानों को मुआवजे की रजिस्ट्री कराकर इसी वित्तीय वर्ष में इस पुल का भी निर्माण कराने का दावा अधिकारी की तरफ से किया जा रहा है। सर, भटवारा में एक पुल बना हुआ है जो अभी तक उसका निर्माण अधूरा है, और उसमें जो सड़क निकलनी थी जो गांवों को जोड़ती है वो भी अभी तक नहीं बन पाई है, किस तरह की उसमें समस्या आ रही है और क्या कुछ उसकी प्रक्रिया है जो अब चालू है? इसमें ऐसा है कि जो काली नदी पर सेतु एक बना हुआ है, लगभग 112 मीटर स्पान का है, जिसको ब्रिज कॉर्पोरेशन ने 2012 में बनाया था, सेतु निगम ने, उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने 2012 में बनाया था। उसके बाद इसमें पुल के दोनों ओर उपला साइड में 260 मीटर, लगभग 260 मीटर पहुँच मार्ग का निर्माण होना है, और भटवारा साइड में 460 मीटर, मतलब 200 पहुँच मार्ग और 260 मीटर अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण होना है। तो उत्तरा साइड में तो मिट्टी का काम हो गया है, उनका पहले से ही अवार्ड हो गया था, लेकिन जो भटवारा साइड में था इसमें जो है किसानों की ये मांग थी कि उनको जो 4 गुना धनराशि जो सर्किल रेट है उसके 4 गुना से मुआवजा दिया जाए तभी बनेंगे, क्योंकि इस्टीमेट पहले से था उसमें 4 गुने का प्रावधान नहीं था। फिर इसका जो है हम लोगों ने डिटेल्ड इस्टीमेट बनाया, पुनरचित डिवाइज इस्टीमेट बनाया है ना, तो उसमें जो है उनका कंपनसेशन का जो है जो मुआवजे का जो 400 मीटर भटवारा साइड में है इसका हमको पैसा मिल गया है, और इसकी जो है हम लोगों ने मीटिंग की है जिला प्रशासन के साथ, एसडीएम से, एसडीएम साहब के साथ, और जो है एडीएम दीप के साथ मीटिंग करके, और उसकी जो दरें हैं जो सर्किल रेट से 3.95 गुना पे तय हो गया है,
है ना, जिसके क्रम में इसमें करीब जो भटवारा साइड है इसमें 16 गाथा संख्या है, 40 काश्तकार है ना। तो हम लोगों ने इसमें इनकी जो है रजिस्ट्री की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और अतिशीघ्र जल्दी से मतलब 10 या 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हम इनकी सबकी रजिस्ट्री करा देंगे। और मिट्टी का काम जो है और उसका जो पहुंच मार्ग में मिट्टी का काम और जो ब्लैक टॉप होना है इसका हमने निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है, अनुबंध गठित किया जा चुका है और कंपनसेशन का जैसे ही इनका मुआवजे का जैसे ही भटवारा साइड में पूरा हो जाता है हम इसकी पहुँच मार्ग का जो है कम्प्लीट करा देंगे। इसको हम जो है इस वित्तीय वर्ष में मार्च 21 तक इसको कम्प्लीट करा देंगे, पूरी दोनों तरफ की पहुँच मार्ग पक्की करा देंगे। खैर अब देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी हमारी खबर का संज्ञान लेकर कब तक इस समस्या से दर्जनों गांव के लोगों को निजात दिला पाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि करीब 14 साल से वीरान पड़ा यह पुल जिसका निर्माण अब तक नहीं हो सका, तो क्या अधिकारी इस बार इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पुल का निर्माण करा पाते हैं। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।